पांच लड़कों का गैंग था जो कि एयरपोर्ट से आने वाले मुसाफिरों को जो कि बैरून मुल्क से आते थे उनको रास्ते में गाड़ी रोकते थे और खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके लूट लेते थे। 4:30 बजे स्नैप चेकिंग के दौरान हमने इनको रोकने की कोशिश करी और इन्होंने हम पे जान से मारने की नीयत से फायरिंग करी और पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुलजमान ये हलाक हो गए और 3रा मुलजिम अली अमजद हमने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। 2 साथी तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ माहमजरा। नाजिन, इस वक्त मैं कराची अज़ीज़ भट्टी पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। आजकल कराची में वारदातें बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। अगर हम स्ट्रीट क्राइम की बात करें तो ये इतना आम हो चुका है कि हर रोज़ कोई ना कोई ख़बर आप अपनी आँखों से देखते होंगे जिसमें यह बताया जाता है कि आज एक शहरी को लूट लिया गया या आज एक शहरी को वारदात के दौरान कत्ल कर दिया गया। ये वाक़ियात इतने ज़्यादा आम हो चुके हैं कि अब इंसानी जान की और माल की कोई हिफाजत नहीं बची है। अभी हाल ही में एक वाकया पेश आया था जो एक गैंग था 5 लोगों पर मुश्तमिल जो कि बड़ी ही महारत से और बड़ी ही प्लानिंग के साथ बैरून मुल्क से आने वाले लोगों को लूटा करता था। आखिर वो प्लानिंग किस तरह करता था, एयरपोर्ट की इंतज़ामिया भी क्या उसके साथ मुलव्वस थी जो ये सारी प्लानिंग करवा रही थी, क्योंकि जो भी लोग बैरून मुल्क से आ रहे थे जो उनके साथ जितना भी माल होता था उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उस गैंग के पास होती थी, वो किस तरह इन्फॉर्मेशन लीक होती थी, किस तरह उन तक पहुँचती थी और फिर वो किस तरह से वारदात करते थे, किस तरह से उन लोगों को लूटते थे, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे SHO अदील सर से जिन्होंने उन 5 ग्रुप के मेंबर्स को सिर्फ ट्रैप नहीं किया बल्कि उनमें से 2 को जो है पुलिस मुकाबले में मार दिया और उसमें से 1 जो है वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया और 2 जो है वो मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से फ़रार हो गए। किस तरह वो लोग ये सारा प्लान करते थे, किस तरह ये पूरी वारदात अंजाम देते थे, क्या उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो जो उन तक पहुँचती थी वो कहाँ से पहुँचती थी, ये सब आज बताएँगे ताकि आप अपने आने वाले दिनों में अपने जो है वो फ्यूचर में चीज़ों से मोहतात रह सकें और देख सकें कि अगर आपके पास भी इस तरह का कोई माहौल बन रहा है तो आप लोग मोहतात हो जाएं और अपनी जान और अपने माल की हिफाजत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अदील अफजाल है और मैं अज़ीज़ भट्टी थाने में बतौर SHO फराइज़ मनसबी अदा कर रहा हूँ। बेसिकली एक गैंग था जिसमें ईरानी लोग थे और उनके साथ डिफरेंट लड़के और शामिल थे। 5 लड़कों का गैंग था जो कि एयरपोर्ट से आने वाले मुसाफिरों को जो कि बैरून मुल्क से आते थे उनको रास्ते में गाड़ी रोकते थे और ख़ुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके लूट लेते थे। गुज़िश्ता 3 माह से ये कार्रवाइयाँ बहुत बढ़ गई थीं और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल में दर्जनों गाड़ियों को इन्होंने असले के ज़ोर पे लूटा था। तो हमारे पास भी जून में एक वारदात हुई थी, फिर उसके बाद 2 सितंबर को वारदात हुई थी और फिर 5 सितंबर को वारदात हुई थी जिसमें बैरून मुल्क से आने वाली फैमिलियों को इन्होंने स्नैचिंग की थी, उनके गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कैश, पासपोर्ट, ब्रीफकेस सब स्नैच किए थे। तो 6 तारीख को फिर हमने स्नैप चेकिंग लगाई हुई थी उस रूट पे और जब ये आए हैं गाड़ी इन्होंने एक उस दिन लूटी है 3:30 बजे तैमूरिया के इलाके में। 4 बजे फिर इन्होंने एक गाड़ी लूटी है मुबीना टाउन थाने के हदूद में। 4:30 बजे स्नैप चेकिंग के दौरान हमने इनको रोकने की कोशिश करी और इन्होंने हम पे जान से मारने की नीयत से फायरिंग करी और पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुलजमान जिनका नाम जासिम था और हुसैन अली उर्फ समीर था ये हलाक हो गए और 3रा मुलजिम अली अमजद हमने ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार कर लिया। 2 साथी तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फ़रार हो गए थे जिसमें से 1 का नाम था आरिफ और दूसरे का नाम था अमीन नासिर। तो इस दौरान इन्होंने 2-3 माह के अंदर वारदातों का इंकशाफ किया। जो गिरफ़्तार मुलजिम था अली अमजद उसने और तरीक़ाकार भी बताया किस तरह गाड़ियों को चेस करते थे और किस तरह लूटा जाता था उनको। बेसिकली ये राशिद मिनाज रोड पे शिनवारी रेस्टोरेंट है और दूसरी जगह हैं वहाँ रश वाली जगह में कार पार्क कर देते थे और एयरपोर्ट के फ़्लाइट इंक्वायरी के नंबर्स पे कॉल्स करते थे और फ़्लाइटों की आने का लैंडिंग का टाइम पूछते थे। इसी तरह जो गाड़ी उनको लगता था कि सामान वगैरह बैग्स नज़र आ रहे हैं और वो एयरपोर्ट से आ रही है तो उन गाड़ियों को वो रोकते थे और लूटते थे। बिल्कुल जासिम हो गया, इनका गैंग लीडर आरिफ हो गया, ये पहले भी मुतअद्दिद बार पुलिस के हाथों गिरफ़्तार होकर जेल जा चुके हैं और हाल ही में ज़मानत पर रिहा होकर बाहर आए थे। एयरपोर्ट वाली क्राइम भी करते थे, कैश स्नैचिंग, दीगर स्ट्रीट क्राइम। मोस्टली तो
ये जो होते हैं ड्रग एडिक्ट्स होते हैं और अपने नशे और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इस तरह के काम सर अंजाम देते हैं और बाद में फिर इनको नदामत का सामना उठाना पड़ता है। स्ट्रीट क्राइम जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो साथ में कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, मुलजमान गिरफ्तार भी हो रहे हैं, ज़ख्मी भी हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में मज़ीद मेहनत और लगन से हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे इसका खात्मा करें।